अगरचे बड़े सगीर में मुगल शहनशाहों को अय्याश और हवसप्रस्त हुक्मरानों के तौर पर ही पेश किया जाता है, लेकिन मुगलिया तारीख गवाह है कि उस दौर में फ़नून लतीफ़ा, बिलखसूस फ़न मुसव्वरी और मिनीचर पेंटिंग को बेमिसाल उरूज मिला। शहनशाह हुमायूं के दौर में मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चावल के छोटे से दाने पर चुगान यानी पोलो का पूरा मैदान बना दिखाया, जिसमें तमाशाइयों समेत खिलाड़ियों और घोड़ों की शबीहें तक वाजे थी। मुगलों की तारीख के औराक उलटने के बाद ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती है कि मुगल हिंदुस्तानी फन मुसव्वरी की तारीख में ना सिर्फ हसीन हादसा है बल्कि एक हसीन इजाफा भी है। वो चीज़ें जो मुगलों के हाथों रवाज पाईं और उनकी सरपरस्ती में आईं, उनमें तज़य्यनकारी और शबीह साजी काबिल ज़िक्र हैं। मुगल फन मुसव्वरी ने कई तारीखी मराहिल तय किए और कई खानदानों के हाथों तरक्की के इन मदारिज को पहुँची। मंगोलों से अगर फन मुसव्वरी का आगाज़ हुआ तो तैमूरों ने इसे अपने खून से सींचा और ईरान के सफ़ी बादशाहों ने इसकी नाजबरदारी की। 14वीं सदी से 16वीं सदी तक ईरान का फन मुसव्वरी तज़य्यन कारी तक महदूद था, क्योंकि दरबारों में किताबों के तज़य्यन का रिवाज आम था। उस दौर में हरात और बुखारा इसका मरकज़ थे। अब्बासी ख़ानदान के हुक्मरानों ने इस फन को मज़ीद आगे बढ़ाया। शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फ़नून लतीफ़ा का बड़ा दिलदादा था। शायरी, मुसव्वरी और फ़लसफ़े में इसे बेहद दिलचस्पी थी। तुज़्क़ बाबरी में उसने ईरान के मशहूर मुसव्विर बहज़ाद के कलम की बड़ी तारीफ़ की है। बाबर का यह ज़ौक़ मौरूसी था, तैमूर की तरह वो भी जलाल व जमाल का परिस्तार था। अफसोस के ज़िंदगी के रज़म आरायों ने इसे मोहलत नहीं दी और जब माहिरीन फ़न की सरपरस्ती का वक्त आया तो उसने सदाए अजल को लब्बैक कहा। नसीरुद्दीन हुमायूं भी अपने वालिद बाबर की तरह जमालियात का दिलदादा था। एक रोज़ खूबसूरत सी फाख्ता कहीं से आ निकली, शहनशाह ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और मुसव्वरों को बुलवाकर उसकी तस्वीर बनाई और फाख्ता को फिर से आज़ाद कर दिया। ईरान के दौरे अकामत में हुमायूं की कई नामवर मुसव्वरों से मुलाकात हुई, जो बाद में इनकी दावत पर हिंदुस्तान आए और यहीं से मुसव्वरी के एक नए स्कूल की इब्तिदा हुई। अब्दुल समद ने हिंदुस्तानी मुसव्वरों की मदद से दास्तान अमीर हमजा के तज़य्यन का काम सरंजाम दिया और बादशाह से नादिरुल असर का खिताब हासिल किया। इसमें कुल मिलाकर 1375 तस्वीर हैं। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में फन मुसव्वरी की भी तजदीद हुई। ईरानी और हिंदुस्तानी मुसव्वरों की इतनी बड़ी तादाद इससे कबल कभी किसी दरबार में इकट्ठी नहीं हुई थी। दो मुख्तलिफ मिजाज के मुसव्विर जब मिल बैठे तो उनके कलम में यकसानियत आई और अकबर का दरबार फन मुसव्वरी का गहवारा बन गया। अकबर के अहद की मारूफ किताब आईने अकबरी में इसका मुफस्सिल जिक्र है। अकबर ने दरबारी मुसव्विरों को अपने दादा की किताब बाबरनामा की तज़य्यन का काम सपुर्द किया और तज़य्यनकारी को फ़रोग दिया। रज़्मनामा, तैमूरनामा, खमसा निज़ामी और बहारिस्तान की तज़य्यनकारी अकबरी अहद का अनमोल खजाना है। इसी तरह दक्कन में मुसव्वरी के एक नए स्कूल की इब्तिदा हुई और फन मुसव्वरी दरबार से निकलकर आवाम तक पहुँचा। दक्कन के अलावा मुसव्वरों के कई कुंबे मुख्तलिफ सम्तों में निकल पड़े, जिनमें से कुछ अवध के दरबार में आ गए, कुछ पटना चले गए और कुछ औरंगाबाद और हैदराबाद चले गए। मुगलों के जवाल के साथ मगरबी फन मुसव्वरी का उरूज होने लगा। दरहकीकत मुगल फन मुसव्वरी की कहानी हिंदुस्तानी तारीख से कम दिलचस्प नहीं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।